हम लोग कितना भी कह लें कि पुलिस ये नहीं करती वो नहीं करती, पुलिस बेईमान है, पुलिस रिश्वत लेती है, लेकिन एक ये भी सच है कि पुलिस के दम की वजह से हम लोग अपने घरों में आराम से सो पाते हैं। कड़कती ठंड में और जला देने वाली धूप में पुलिस हमारी रखवाली करती है, तभी हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। आज मैं ऐसी ही पुलिस की कहानी लेकर हाजिर हूँ। हेलो दोस्तों, मैं शिखा तिवारी। आज मैं रिव्यू करूँ बॉबी देओल की फिल्म क्लास ऑफ 83 का। आपको सबसे जरूरी बात बता दें, इसको देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स के मंदिर में जाके 1.5 घंटे का प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा। अपने बड़े बड़े बालों और नशीली आंखों वाले बॉबी देओल ने अपनी दूसरी इनिंग शुरू कर दी है। फिल्म की कहानी शुरू होती है काबिल पुलिस ऑफिसर विजय सिंह से, जो कि राज के सीएम पाटकर की आंखों में खटकते रहते हैं, जिसके कारण उन्हें पनिशमेंट पोस्टिंग दे दी जाती है, जिसमें उन्हें नासिक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का डीन बना दिया जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक पार की मुश्किल वक्त में भी हीरा खोज निकालता है, तो बस ऐसा ही कुछ ऑफिसर विजय सिंह भी करते हैं। वो वहां के बैच के 5 सबसे नालायक लड़कों को अपनी महाभारत का पांडव चुन लेते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है जो उन्होंने 5 पांडव चुने हैं वो उनके अधूरे मिशन को पूरा करेंगे। तो बस यहीं से कहानी में यू टर्न आ जाता है। क्या विजय सिंह अपने अधूरे मिशन को पूरा कर पाएंगे? क्या ये 5 लड़के विजय सिंह की बात मानेंगे या फिर इनका राज खोलकर रख देंगे? क्या सीएम तक विजय सिंह का प्लान पहुंच पाएगा या फिर विजय सिंह इन सबसे ऊपर जाके मिशन इम्पॉसिबल को पूरा कर लेंगे? अगर आपको इन सब सवालों के जवाब चाहिए तो आपको क्लास ऑफ 83 को देखने पर ही मिलेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि फिल्म में कोई कमी नहीं है, फिल्म की सबसे बड़ी कमी है तो वो ये है इसकी कम ड्यूरेशन। इतने कम वक्त में फिल्म इतनी तेजी से बदलती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप सोचने लगते हैं कि अभी तो ये चल रहा था, ये क्या आ गया। इन सबसे इतर विजय सिंह के रोल में बॉबी देओल ने गजब काम किया है। विजय सिंह अपनी पर्सनल लाइफ में खारा हुआ इंसान है, उसने अपने परिवार से ज्यादा अपने फर्ज को प्राथमिकता दी, लेकिन सिस्टम ने उसे इनाम की जगह सजा दी। यही गिल्टी विजय सिंह को खाए रहती है। विजय सिंह के रोल को बॉबी देओल ने पूरे गिल्ट और इंसाफ के साथ जिया है। फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट ने इसकी सारी कमी को पूरा करने का काम किया है। 5 नए एक्टर्स ने पुलिस ऑफिसरों का किरदार बखूबी निभाया है। शुक्ला जी को देखकर आप रोमांचित हो जाते हैं, उनकी एक्टिंग काबिले तारीफ है। अकेडमी में रंग रूटों से लेकर एनकाउंटर करने तक के ट्रांसफॉर्मेशन को इन कलाकारों ने बड़ी कामयाबी के साथ निभाया है। ये फिल्म 1900 दशक की मुंबई की अपराध की दुनिया को दिखाता है। ये फिल्म मशहूर क्राइम राइटर एस हुसैन जेदी की किताब पर बेस्ड है। फिल्म के डायरेक्टर हैं अतुल सबरवाल, जिन्होंने टेलीविजन सीरीज पाउडर में गजब का डायरेक्शन किया था। मेरा ज्ञान यहीं तक था। अगर आपको मुझसे कोई गिला शिकायत हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ।